मेरे से लोग पूछते हैं कि GTA 5 मोबाइल पर कब आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने GTA 5 खेली नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास GTA 5 चलाने वाला PC नहीं है या लैपटॉप नहीं है। अगर GTA 5 मोबाइल पर आ गया तो बहुत सारे लोग इसे खेल पाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़े उड़ा पाएंगे। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रॉकस्टार ने अभी तक GTA 5 मोबाइल पर लॉन्च नहीं किया है, फिर भी आपको यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी फेक वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें वो GTA 5 को मोबाइल पर चलाकर दिखा रहे हैं, तो 99.99% गलत है। या तो वो कोई वीडियो चलाकर दिखा देते हैं या फिर कोई फैनमेड गेम दिखाते हैं, तो आप उन पर तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना। लेकिन हमारी बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि GTA 5 मोबाइल पर कब आएगा। अगर वन वर्ड में आंसर दूं तो शायद कभी नहीं। लेकिन क्यों, क्या दिक्कत है GTA 5 को मोबाइल पर लाने में? रॉकस्टार गेम्स हम मोबाइल गेमर्स की चिंता नहीं करता क्या? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से GTA 5 मोबाइल पर कभी नहीं आएगा। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद भी है जिससे GTA 5 मोबाइल पर आ सकता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं मोबाइल गेम्स का गिव अवे की भी बात कर रहा हूं, तो इसलिए वीडियो एंड तक तो जरूर देखना वरना गिव अवे आप मिस कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोबाइल फोन्स इतने पावरफुल नहीं होते। GTA 5 एक बहुत ही हैवी गेमर जिसे चलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए। उसके ग्राफिक्स देखो ना कितने ज़्यादा अच्छे हैं और इतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड ही होती है। अब हो सकता है आप कहोगे जब GTA 5 को चलाने के लिए 8GB रैम चाहिए होती है तो आजकल के फोन्स में तो 10-12 GB रैम भी आ रही है तो उसमें तो चल ही जानी चाहिए। लेकिन नहीं, मोबाइल की रैम और PC की रैम में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोबाइल के पार्ट्स बहुत कम पावरफुल होते हैं और वैसे भी सिर्फ रैम ही थोड़ी ना चाहिए होती है गेम चलाने के लिए, उसके लिए चाहिए एक अच्छा CPU और GPU। वैसे स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक रेगुलरली अपने CPUs एंड GPU को इम्प्रूव करते रहते हैं और मोबाइल फोन समय के साथ साथ और पावरफुल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी GTA 5 जैसा गेम चलाने वाला प्रोसेसर आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। शायद 10-20 साल भी लग जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। कुछ लोग हो सकता है कहे कि GTA Vice City और GTA San Andreas भी तो मोबाइल पर है, लेकिन आप ये देखो ना कि GTA San Andreas और GTA 5 के ग्राफिक्स एंड फीचर्स में कितना ज्यादा फर्क है। GTA San Andreas के घर तो ऐसे लगता है जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हों, लेकिन GTA 5 के घरों की डिटेलिंग देखो कितनी ज्यादा होती है। GTA 5 मोबाइल पर तभी आएगा जब मोबाइल डिवाइसेस 256-bit कंसोल्स के जैसे पॉलीगन्स एंड टेक्सचर्स को रेंडर कर पाएंगे। अभी तक बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली आज के हिसाब से सबसे पावरफुल स्मार्टफोन Nintendo 64 के ग्राफिक्स को रेंडर कर सकता है। उस हिसाब से 256-bit तक पहुंचने में तो अभी काफी टाइम लगेगा। मोबाइल फोन्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो छोटे होते हैं। वैसे ये उनकी एडवांटेज भी है कि कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से हीटिंग की बहुत दिक्कत आती है। जब कोई पावरफुल प्रोसेसर चलता है तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा और इसी हीट को बाहर निकालने के लिए PC और लैपटॉप में पंखे लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल में ये पॉसिबल नहीं है। अगर मोबाइल में पंखे लगाने हैं तो उसे बहुत मोटा और बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर वो मोबाइल ही नहीं रहेगा, फिर वो कुछ अजीब डिवाइस बन जाएगा जो ना ही मोबाइल और ना ही लैपटॉप। अब सेकंड रीजन जिसकी वजह से GTA 5 अभी तक मोबाइल पर नहीं आया है वो है इसका बड़ा साइज। जिन लोगों ने एपिक गेम स्टोर से GTA 5 डाउनलोड किया होगा उन्हें पता है कि ये 94GB का है, और चलो अगर GTA 5 का मल्टीप्लेयर वर्जन यानी कि GTA ऑनलाइन भी हटा दो तब ये 60-70GB का तो बचेगा। अब रॉकस्टार गेम्स इसे कितना ही कंप्रेस कर लेगा, क्या वो इसे 35GB का बना देगा? और चलो अगर बना भी दे तब भी क्या आप इसे डाउनलोड कर पाओगे? जरा हिसाब लगाकर देखो कि 35GB का गेम मोबाइल डेटा से डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा और फोन में इंटरनल स्टोरेज होती ही कितनी है। एवरेज फोन में लगभग 32GB की इंटरनल स्टोरेज होती है जिसमें से आधी तो सिस्टम फाइल्स ही खा जाती हैं। चलो अब ज्यादा स्टोरेज वाला फोन ले लोगे या फिर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा लोगे तब भी क्या वो इतनी फास्ट होगी कि इतने बड़े गेम को लोड कर पाए? GTA San Andreas और GTA Vice City भी मोबाइल पर हैं, लेकिन वो 1.5-2GB के हैं और बोली तो बल्कि 3GB का है। तो ये गेम्स PC पर भी इतने बड़े हैं, बस थोड़ा सा ही साइज कम किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मोबाइल के लिए टेक्सचर्स कम कर दिए। लेकिन GTA 5 में टेक्सचर्स कम कर भी दोगे तब भी वो आधा ही तो रहेगा, 35GB का तो तब भी बचेगा ना। उन्हें मोबाइल पर गेम लाने के लिए बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, उसे मैप को छोटा करना पड़ेगा, बहुत सारे सिविलियंस हटाने पड़ेंगे, स्टोरी काटनी पड़ेगी, शायद कुछ व्हीकल्स और कार भी हटानी पड़ जाए, हो सकता है कि कुछ लोकेशन ही गायब करनी पड़े। और चलो मैं PUBG की बात करता हूँ तो वो गेम PC के लिए 40GB का है और मोबाइल के लिए 2GB का, तो उसे इतना छोटा इसलिए कर दिया क्योंकि PUBG PC और PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स में बहुत फर्क है। PUBG PC के ग्राफिक्स काफी रियल लगते हैं जबकि मोबाइल के ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे नहीं है, और उन्होंने मोबाइल के मैप में काफी सारी चीजें हटा दी हैं, जैसे कि ग्रास कम कर दी, विंडो के शीशे हटा दिए, घरों को छोटा कर दिया, घर के अंदर जो सामान पड़ा होता था वो सब भी गायब कर दिया, काफी सारी एनिमेशन हटा दी, जो मैप को रियलिस्टिक लुक देने वाले फीचर्स थे वो भी हटा दिए, मतलब एक तरीके से पूरा ही चेंज कर दिया था। तो इसलिए GTA 5 का जो साइज है ना वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये अभी तक मोबाइल पर नहीं आया और शायद कहीं सालों तक नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट वाली चीज कि रॉकस्टार मोबाइल गेम्स बनाने वाले स्टूडियो नहीं है बल्कि थ्रेशोल्ड सेट करने वाले गेम्स बनाता है PC और कंसोल के लिए। उसके गेम्स ऐसे होते हैं जो गेमिंग की दुनिया में एक लेवल सेट कर देते हैं कि गेम हो तो ऐसा हो, और इतना रिस्पेक्टेबल स्टूडियो होने के बावजूद अगर वो मोबाइल के लिए GTA 5 बनाएगा जिसमें उसे ग्राफिक्स कम करने पड़े, मैप छोटा करना पड़ा, स्टोरी काट दी, फीचर्स कम कर दिए, बहुत से मॉडल्स हटा दिए, NPCs कम हो गए, तो भला उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग भी कहेंगे कि PC और कंसोल के लिए तो इतने अच्छे गेम बनाता है लेकिन मोबाइल के लिए इतना बेकार गेम बना दिया। इवन आप ये बात खुद कहोगे, अभी तो आप PC वाले GTA 5
देखकर कहते हो कि काश ये मोबाइल पर आ जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन अगर वो मोबाइल पर आएगा तो वो बिल्कुल ही अलग दिखेगा। मतलब जो आपकी उम्मीदें होंगी ना, सब पर पानी फिर जाएगा। आप खुद ही मोबाइल वाला GTA 5 खेलने से मना कर दोगे क्योंकि वो पीसी वाले के कंपैरिजन में इतना गंदा दिखेगा। और रॉकस्टार गेम्स की अब ऐसी इमेज बन गई है कि वो खराब गेम्स नहीं बनाता। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि GTA 6 के लेट होने का एक रीजन ये भी है कि रॉकस्टार गेम्स उसे बेस्ट बनाना चाहता है, तो वो मोबाइल के लिए खराब गेम तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। नेक्स्ट रीजन है कि मोबाइल के लिए गेम बनाना शायद रॉकस्टार के लिए इतना प्रॉफिटेबल ना रहे, क्योंकि GTA जैसा गेम बनाने में हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं जो वो शायद मोबाइल से कभी नहीं कमा पाएंगे। ऊपर से मोबाइल के गेम्स को क्रैक करना भी आसान है, लेकिन RDR 2 की मैं बात करूं तो वो एक साल बाद भी अभी तक क्रैक नहीं हो पाया है और शायद उसका क्रैक आएगा भी नहीं। तो मोबाइल के गेम्स आसानी से क्रैक हो जाते हैं, इसलिए वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं रहते। ऊपर से मोबाइल के गेम्स या तो फ्री होते हैं या बस 100-200 के होते हैं, लेकिन GTA 5 तो 1000-2000 का गेम होगा तो उसे तो कोई खरीदने नहीं वाला। अब क्या GTA 5 के मोबाइल पर आने की कोई होप है? शायद है, लेकिन उसके चांसेस भी 0.1% है, क्योंकि GTA San Andreas और GTA Vice City मोबाइल पर अपनी 10th एनिवर्सरी के दिन आए थे। तो शायद Rockstar Games भी GTA 5 को अपनी 10th एनिवर्सरी यानी कि 2023 में निकालने की सोच रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस भी ना के बराबर हैं, क्योंकि GTA 4 की 10th एनिवर्सरी यानी कि 2018 में हमें वो मोबाइल के लिए नहीं मिला। अगर वो कभी आता भी है तो शायद 10-20 साल बाद आएगा, जब मोबाइल फोन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए होंगे। उसमें भी उसके लिए आपको कम से कम 40-50 हज़ार का फ़ोन खरीदना पड़ेगा, और अगर ऐसा फ़ोन खरीद सकते हो तो 40-50 हज़ार का PC बिल्ड ही कर लो GTA 5 खेलने के लिए। और वरना चिंता मत करो, मैंने GTA जैसे 10 एंड्रॉइड गेम्स पर भी वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं गिव अवे की बात कर लेता हूँ क्योंकि इससे मोबाइल गेमर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो मैं मोबाइल गेमर्स के लिए अभी एक गिव अवे की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और पीसी गेमर्स के लिए गिव अवे अगले हफ्ते होगा। तो मोबाइल गेमर्स को क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है एक बड़ा गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड 500 रुपए का और 4 छोटू गिफ्ट कार्ड 200 रुपए के। तो टोटल 5 विनर्स होने वाले हैं इस गिव अवे के, और इसमें पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा आसान है। और इन गिफ्ट कार्ड की मदद से आप काफी सारे गेम्स खरीद सकते हो प्ले स्टोर पे, जैसे कि Assassin's Creed, GTA San Andreas, GTA Vice City और GTA के बहुत सारे गेम्स हैं, फिर Max Payne है, बुली है, Minecraft भी आप खरीद सकते हो, NFS Most Wanted भी खरीद सकते हो। तो बहुत सारे गेम्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे जो कि पेड है, लेकिन गिफ्ट कार्ड की मदद से आप खरीद सकते हो। इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया वहां पे जाओगे तो ग्लीम की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये गिव अवे के लिए बेस्ट वेबसाइट है, और यहां पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर अपना नेम और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको 3 टास्क कंप्लीट करना है, जिसमें आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा, ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करना होगा, और इससे आप मैक्सिमम पॉइंट्स इकट्ठे कर लोगे। और ग्लीम में गिव अवे जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस तभी होते हैं जब आप मैक्सिमम पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, जो कि 45 है। अगर आप इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे गिव अवे जीतने के। ये गिव अवे आज से शुरू हो गया है और चलेगा नेक्स्ट सैटरडे तक, और उसके बाद मैं इसके रिजल्ट्स भी निकाल दूंगा, यानी कि 26 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद मैं इसके रिजल्ट्स निकाल दूंगा। और इसमें मैंने एक रूल रखा है कि जैसे अभी मोबाइल गेम्स का गिव अवे हो रहा है और इसका जो विनर है, सपोज करता हूँ कि वही सेम बंदा पीसी गेम्स के गिव अवे में पार्टिसिपेट करता है और उसमें भी जीते जाता है, तो वो बंदे को मैं पीसी गेम्स के गिव अवे में डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जीते। और अगर सेम ही बंदा दोनों गिव अवे जीत रहा है तो वो सही बात नहीं है। तो ये रूल है मेरा कि अगर आप मोबाइल गेम्स के गिव अवे को जीत रहे हो तो पीसी गेम्स के गिव अवे में पार्टिसिपेट मत ही करना, क्योंकि अगर उसमें आप जीत भी गए तभी मैं उसमें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। बस गिव अवे की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी गिव अवे के बारे में पता लगना चाहिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।